दोस्तों रिश्तों के मांझा में आए हैं नए उतार चढ़ाव। जी हाँ, काफ़ी इंटरेस्टिंग शादी का ये ट्विस्ट चल रहा है। वेल, लेकिन आपने देखा होगा कि कल के एपिसोड में किस तरीके से जो है मोहन को अजीत ने भला बुरा कहा और उसके बाद कैसे शादी तोड़ के वो उनकी फैमिली जो है वो निकल गई अजीत की, और उसके बाद मोहन को हार्ट अटैक आया, उनको पैनिक अटैक आया और वो ज़मीन पर गिर गए, जिसके बाद दिया और अर्जुन दोनों काफ़ी शॉक हो गए हैं और दोनों वरिड हैं। वेल, आप सबको तो पता ही है कि एक तरफ अर्जुन की शादी चल रही है और दूसरी तरफ दिया की, और अर्जुन जो है वो दिया को कॉन्ग्रेचुलेट करने को आते हैं और उनका प्यार जो बैडमिंटन के लिए है वो रिक्वेस्ट करने को आते हैं कि दिया के हस्बैंड को, कि दिया को बैडमिंटन शादी के बाद खेलने को दिया जाए। लेकिन जब वो देखते हैं द मोमेंट कि वो अजीत है जिससे वो शादी कर रही है, तो उनका पूरा थॉट और हर चीज़ बदल जाता है और वो ये सोचते हैं कि अजीत डिज़र्व नहीं करता है दिया को, और इसीलिए जो है अर्जुन उनकी शादी रोकते हैं। एंड उसके बाद शादी के बीच में आता है ये धमाकेदार ट्विस्ट, जहां पर एक तरफ आप देख सकते हो कि अर्जुन की फैमिली दिया के घर पहुंच रही है अर्जुन को दोबारा से अपनी शादी के लिए बुलाने के लिए, और वहीं पर जो है दिया का जो होने वाला हस्बैंड था यानी कि अजीत, वो छोड़ के चला जाता है पूरी शादी को। सो आखिरकार ऐसे में आपको क्या लगता है? वेल, पुलिस को बुलाने के लिए भी काफ़ी बातें चीते हुई, रिपोर्टर्स मीडिया ने ऑलरेडी देख लिया कि जो है टीना वो अपना घर छोड़ के जा रही है शादी के पहले। आखिर ऐसा क्या हुआ है कि जो है एक एक करके अर्जुन की शादी से सारे गेस्ट जो हैं वो जा रहे हैं, उनकी फैमिली कहाँ जा रही है? वेल, आखिरकार क्या कुछ सस्पेंस है ये आपको आगे देखने में पता चलेगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग प्लॉट आने वाला है। आप लोग मुझे बताओ क्या कहना है आपको अर्जुन और दिया का ये जो नया ट्विस्ट आ रहा है इसके बारे में।